Hello everyone, myself Divyani Mishra. In this particular video, I would like to discuss about the collective bargaining and its types. So what is collective bargaining? Collective meaning there will be two parties involved in the negotiation. Bargaining kya hota hai? It is negotiation. The two parties kaun si hai? The very first party is a management party, which is the representatives of the employer, and the second party is the labor party. ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या जैसे बार्गेनिंग गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ यू कैन से वेजेस को लेके बातें होती, डिस्कशंस होती हैं, आपकी वर्किंग कंडीशंस के लेके डिस्कशंस होता है यहाँ पे. तो वी कैन से दैट दिस इज योर कलेक्टिव बार्गेनिंग. नाउ मूविंग ओवर इट्स टाइप्स, देर आर फोर टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. द वेरी फर्स्ट टाइप इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, सेकेंड टाइप इज अ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, थर्ड इज यू कैन से द प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, एंड द फोर्थ इज द कॉम्पोजिट बार्गेनिंग. तो वॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? सबसे पहला होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, विच इज सेट टू बी जीरो सम गेम. ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज जीरो सम गेम. व्हाई? बिकॉज देयर विल बी टू पार्टीज इन्वॉल्व, दो पार्टीज होंगी. तो दोनों ही पार्टीज क्या करेंगे, अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं. ठीक है, लेट से अगर जो लेबर पार्टी है, जो वहां पे ट्रेड यूनियन का जो हेड है, इफ ही इज वेरी वेरी पावरफुल, वो बहुत अच्छा है बोलने में, तो क्या होगा, ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट पार्टी और अपने हिसाब से चीजों को वो करवा सकता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द मैनेजमेंट पार्टी विल बी एट द लूजिंग एंड वाइल द लेबर्स पार्टी विल बी एट द विनिंग एंड, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है. लेट से जो मैनेजमेंट है, ठीक है, दे पीपल आर वेरी क्लेवर, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट किया हुआ, अपने हिसाब से पॉलिसीज रखी हुई हैं. तो इन दैट कंडीशन यू कैन से दैट द मैनेजमेंट पार्टी इज एट द विनिंग एंड वाइल द लेबर्स पार्टी इज एट द लूजिंग एंड. ठीक है, जब एक पार्टी जीतती है दूसरी हारेगी, तो वॉट विल हैपन, जीरो सम गेम. ठीक है, दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूटिव इज सेट टू बी द जीरो सम गेम. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बार्गेनिंग इज द इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. ठीक है, इंटीग्रेटेड मीनिंग इंटीग्रेशन. ठीक है, दोनों पार्टीज क्या होंगे, मिलकर यहाँ पे चीजों को सेटल करती हैं. राइट, दैट इज अ इंटीग्रेटिव टाइप ऑफ बार्गेनिंग. तो दोनों के ही हम क्या करते हैं, दोनों के ही फेवर्स में हम यहाँ पे डिस्कशन होता है, उनकी फेवर्स में यहाँ पे चीजें हैंडल होती हैं. ठीक है, द थर्ड टाइप इज द प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग. प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, लेट से मैनेजमेंट क्या कहता है अपने वर्कर्स को, कि अगर आप ज्यादा वर्कआउट करोगे, ज्यादा एफर्ट्स दोगे, तो क्या होगा, देयर प्रोडक्टिविटी विल बी इंप्रूव, देयर प्रोडक्टिविटी विल बी एनहांस. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे, सो यू विल बी गेटिंग इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क डन. तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही पार्टीज का फायदा है. ठीक है, वर्कर्स को दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा इंसेंटिव यू कैन से, वाइल द मैनेजमेंट पार्टी दे आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. So this is said to be the productivity type of bargaining. And the last type is the composite bargaining. So यहाँ पे क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं वो अपने सारे के सारे जो भी उनके टर्म्स कंडीशन है, या फिर जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो कि उनके इश्यूज उनको फेस होते हैं, तो वो सारे के सारे मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, सो दैट उन सारे के सारे इश्यूज पे क्या हो जाए, वहां पे बात हो और उसमें डिस्कशन हो और उसमें बार्गेन किया जाए. ठीक है, दैट इज यू कैन से द कॉम्पोजिट टाइप ऑफ बार्गेनिंग. सो ये था हमारा छोटा सा वीडियो अबाउट द कलेक्टिव बार्गेनिंग. आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो डू लाइक डू शेयर. थैंक यू.